फ्रेंड आई एम ईशान, वेलकम बैक टू 360 ज्ञान स्टूडेंट। मैं आपको आज की इस वीडियो में रुक जाना नहीं योजना के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि रुक जाना नहीं योजना के कक्षा 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम्स होंगे रुक जाना नहीं योजना के माध्यम से, उसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है, आपके एग्जाम्स कब होंगे, रिजल्ट कब आ जाएगा, एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा, सारी कुछ कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए आपका जो रुक जाना नहीं योजना का कक्षा 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है वह आपका सेम एमपी बोर्ड का, अभी आपने जो एग्जाम दिया था जिसमें आप फेल हो गए हैं वही पैटर्न आपका रहता है। मतलब आपका 80 नंबर का ही पेपर आएगा और जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया था पहले जो रिड्यूस सिलेबस के साथ 30% रिड्यूस सिलेबस आने, जो सिलेबस कम किया गया था उसी के अकॉर्डिंग आपके रुक जाना नहीं योजना की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा ली जाएंगी। मतलब आपका जो एमपी बोर्ड का एग्जाम पैटर्न था, एमपी बोर्ड की ओर से जो पहले ब्लूप्रिंट जारी किए गए थे वह सब आपका वैसा ही रहने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी कुछ तैयारी करनी और उसमें से ही आपका सारा कुछ पेपर आने वाला है उसी के अकॉर्डिंग। देखिए आपका जो सिलेबस रहेगा वह पूरा आपका सेम रहने वाला है, जैसा आपने एमपी बोर्ड में पढ़ा है वही सिलेबस आपको वापस दोबारा पढ़ना पड़ेगा और इसका ब्लू प्रिंट्स भी आपका सेम रहने वाला है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। जो 30% सिलेबस कटौती की गई थी उसका भी फायदा आपको रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। जो टॉपिक कम कर दिए गए हैं आपको उनको नहीं पढ़ना है। अब बात आती है कि आपको कायमे से पढ़ाई करना है, तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो पिशन बैंक जारी की गई है पिशन बैंक विमर्श पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको तैयारी करना है। सेकंड आपको परीक्षा अध्ययन में से भी तैयारी करना है, इसी में से आपका सारा कुछ पेपर बनने वाला है रुक जाना नहीं योजना का कक्षा 10वीं और 12वीं क्लास का। अगर स्टूडेंट आप इतना आसा कर लेते हैं, इतनी सी मेहनत कर लेते हैं तो आप 101% कक्षा 10वीं और 12वीं में रुक जाना नहीं योजना के फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास हो जाएंगे। अब बड़ा सवाल आता है कि इसकी परीक्षाएं कब से होंगी और रिजल्ट कब तक आएगा और एडमिट कार्ड कब जारी होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनके ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर इसको जारी किया गया, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें कहा गया है आपका जो रुक जाना नहीं योजना का पेपर होंगे वे आपके जून माह में यहाँ पर पेपर लिए जाएंगे, जून में आपके पेपर होंगे और इसका जो रिजल्ट रहेगा वह आपका जुलाई में जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली हंट ने IHEP स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्दी ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेंगे। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रखा है और इनाम जीतिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा जिससे उत्तीर्ण विद्यार्थी अपनी अगली कक्षा में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययन कर सकेंगे। मतलब स्टूडेंट अगर आप जून वाले जो फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, क्या होता है कि रुक जाना नहीं योजना में दो अटैम्प्ट दिए जाते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट देते हैं जून में उसमें भी पास नहीं हो पाते हैं, तो उनको भी बिल्कुल परेशानी होना। उनको क्या होता है बाद में सेकंड अटैम्प्ट दिया जाता है, सेकंड अटैम्प्ट आपका दिसंबर में होता है। तो आप सभी कोशिश करिए कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास हो जाएं और अपनी जो आगे की पढ़ाई कक्षा 11वीं की और कक्षा 12वीं के बाद आप अगर आप कॉलेज वगैरह की पढ़ाई करेंगे तो आप उसको कंटिन्यू रख पाएँ। तो आपको जून में जो एग्जाम्स होंगे उसमें काफ़ी अच्छे से मेहनत करनी है। आपका देखिए फाइनली परीक्षा जून में होगी तो मई के लास्ट तक इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और इसका जो रिजल्ट है फाइनली आपका जुलाई के अंत में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स रह गए हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर मैं आपको 101% रिप्लाई दूंगा। अगर आप मेरे को लिंक के माध्यम से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं इंस्टाग्राम पर तो आप मेरे को सिंपली इंस्टाग्राम पर 360 ज्ञान सर्च कर लीजिए, उसके बाद आपको हमारा सिंपली चैनल का लोगो दिख जाएगा, आप उसी को फॉलो करना ना भूलें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी, आपको वीडियो पसंद आया।